विश्व कप में टाई के बाद इंग्लैंड को दी गई जीत पर न्यूजीलैंड के तमाम अखबार भी सवाल उठा रहे हैं। वहां के कई अखबारों ने अलग अलग तरीके से इस बात का जिक्र किया है और इस फैसले पर सवाल उठाया है और मीडिया द्वारा भी इस फैसले की आलोचना की जा रही है। वहां के एक संपादकीय का कहना है कि जिस वक्त विश्व कप का फैसला आ रहा था उस समय हमारे देश में सूर्योदय हो रहा था। ऐसी अफसोस भरी सुबह हमने पहले कभी नहीं देखी। इससे अच्छा तो न्यूजीलैंड हार जाता, क्योंकि जिस मार्टिन गुप्टिल के थ्रो ने धोनी को रन आउट कर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाया था, उन्हीं के थ्रो पर बेन स्टोक्स आगे आ गए और गेंद बल्ले पर लगने के बाद चौके पर चली गई और अंपायर कुमार धर्मसेना ने 6 रन इंग्लैंड को दे दिए। इंग्लैंड यहाँ लुट गई क्योंकि धर्मसेना ने 1 रन ज्यादा इंग्लैंड को दे दिया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड से पहला विश्व कप छिन गया। वहां का एक अखबार न्यूजीलैंड हेरॉल्ड लिखता है कि वर न्यूजीलैंड रॉब्ड, मतलब कि न्यूजीलैंड को लूट लिया गया। मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि धर्मसेना को इंग्लैंड को 5 रन देना थे लेकिन उन्होंने 6 रन दे दिए, जबकि क्रिकेट के लॉ में 19.8 में ये लिखा है कि ओवर के मुताबिक जानबूझकर थ्रो पर बल्लेबाज की गेंद लगने के बाद कहीं चली जाती है तो रन नहीं मिलते हैं। वहां पर तो धर्मसेना सही है, लेकिन इस विषय में ये भी लिखा जा रहा है कि थ्रो करने के बाद अगर दोनों बल्लेबाज आपस में क्रॉस नहीं हुए तो वो रन नहीं दिया जाएगा, और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड को 6 रन दे दिए गए। बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने भी ट्वीट पर कहा कि उस ओवर थ्रो के लिए जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। नियम ये कह रहा है कि धर्मसेना ने गलती नहीं की है, लेकिन तमाम दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट के तमाम फैंस इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर फैसला लेना ही था तो संयुक्त रूप से दोनों टीमों को विजेता बनाया जा सकता था, लेकिन ये क्या हो गया, क्या न्यूजीलैंड को लूट लिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।